खास खबर। राफेल पर आगे बढ़ी मोदी सरकार, फ्रांस सरकार को डील की 25% रकम चुकाई। नई दिल्ली, मोदी सरकार राफेल डील पर आगे बढ़ गई। विवादों और डील में घोटाला होने के विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार ने 36 लड़ाकू विमानों के एवज में 25% रकम फ्रांस को दे चुकी है। सरकार चाहती है कि तय शेड्यूल के मुताबिक सितंबर 2019 में पहले राफेल लड़ाकू विमान की भारत को डिलीवरी मिल जाए। उम्मीद है कि इसके बाद 2020 के मध्य तक भारत को 4 राफेल विमानों का पहला जत्था भी मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की निगरानी में राफेल डील की जांच की मांग से जुड़ी सभी याचिकाएं 14 दिसंबर को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा था कि राफेल विमान खरीद की प्रक्रिया में शक की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कारोबारी पक्षपात होने जैसी कोई बात सामने नहीं आई। सरकार ने कोर्ट को बताया था कि राफेल विमान खरीदने का फैसला साल भर में 74 बैठकों के बाद किया गया। 126 राफेल खरीदने के लिए जनवरी 2012 में ही फ्रांस की देसो एविएशन को चुन लिया गया था, लेकिन देसो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बीच आपसी सहमति नहीं बन पाने से ये सौदा आगे नहीं बढ़ पाया। HAL को राफेल बनाने के लिए देसो से 2.7 गुना ज्यादा वक्त चाहिए था। राफेल का फ्रेंच में मतलब तूफान होता है। देसो कंपनी इसी नाम से लड़ाकू विमान बनाती है। राफेल विमान 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसकी रेंज 3,700 किमी है। यह विमान 2,200 से 2,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। वायुसेना के पास विमानों की 32 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। राफेल से नई स्क्वाड्रन बनाई जा सकेगी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS